hello students how are you i hope you are fine and healthy in your home i am amanpreet kaur your english teacher today i am going to start our first chapter sentences grammar chapter sentences what is sentences sentence kya hotte beta a sentence is a group of words कन्वेइंग कम्प्लीट मीनिंग एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स के ग्रुप बना होता है मतलब कि वो वर्ड जो है ना शब्द जो है ना उनका अपना ही कोई मीनिंग निकलता है वो क्या कहलाता है सेंटेंस जिनका फुल मीनिंग निकलता है उन वर्ड्स का सीक्वेंस में वो क्या कहलाते हैं सेंटेंसेस सेंटेंसेज जो हैं वो हमेशा ही ऑलवेज बिगन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेटरीज मार्क एंड अपॉन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज़ मतलब जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो हमेशा ही जो सेंटेंस है हमारा उसका जो पहला वर्ड होता है और उसका पहला लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है और सेंटेंस जो है लास्ट में या तो फुल स्टॉप से कंप्लीट होता है या फिर इंट्रोगेटिव चिन्ह से मतलब इंट्रोगेटिव साइन क्वेश्चन मार्क से या फिर एक्सक्लेम एक्सक्लेमट्री साइन से ठीक है तो ये जो है एक सेंटेंस कहलाती हैं जो कि हमारे जो हैं जिस सेंटेंस में हमारी जो है पूरे वर्ड्स का मीनिंग निकले और वो एक जो है पूरा वाक्य बन जाए वो हमारा सेंटेंस कहलाता है फॉर एग्ज़ाम्पल संचित इज़ प्लेइंग फुल फुटबॉल संचचित जो है वो क्या कर रहा है फुटबॉल खेल रहा है ये देखो ये जो है ना वर्ड्स जो है ना सारे वो, इसमें कितने फोर वर्ड्स आ गए और इनका मीनिंग निकल रहा है और एक सेंस बन रही है तो ये क्या कहलाते हैं सेंटेंसेस काइंड ऑफ सेंटेंसेस सेंटेंस जो है वो फाइव टाइप्स की होते हैं डेक्लेक्टिव सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट है हमारा डेक्लिटिव सेंटेंसिस और स्टेटमेंट्स ये सेंटेंस होते हैं जी सिम्पली मेक स्टेटमेंट होती है सिंपल हमारे जो है एक सेंटेंस होता है सिंपल स्टेटमेंट होती है किसी को कोई बात कही जाती है बिल्कुल सिंपल वे में जैसे दे आर माई क्लेस क्लासमेट्स मतलब वो क्या है मेरे क्लासमेट्स हैं मेरे सहपाठी हैं दिस इज नॉट माई बोल यह मेरी बोल जो है नहीं है ये क्या है हमारे डेक्लेटिव सेंटेंसेस नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज मैंने आपको बताई है जिसमें कि क्वेश्चन पुट किया जाता है प्रश्न पूछा जाता है ठीक है वट हैव यू प्लान फॉर द फ्यूचर कि आपका जो है फ्यूचर के लिए क्या प्लान किया हुआ है आपने क्या सोचा है अपने फ्यूचर के लिए भविष्य के लिए नेक्स्ट है इम्पे इंपेरेटिव सेंटेंसेज इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं बेटा जिन सेंटेंसेज से हमें पता चलता है कि, कि किसी को कमांड दी गई है यहाँ किसी से रिक्वेस्ट की गई है या किसी को एडवाइस दी गई है और ये मेनली सेंटेंस जो होते हैं ना वो हमेशा ही वर्ब की फॉर्म से शुरू होते हैं जैसे कम हेयर कम क्या है वर्ब की फॉर्म है यहाँ आओ मतलब ये क्या है वर्ब की फॉर्म से शुरू हुए हैं और जिससे हमें पता चले कि ये जो है कैसे सेंटेंस है कमांड है इनके लिए रिक्वेस्ट दी जा रही है या एडवाइस की जा रही है तो ये क्या है हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ये सेंटेंस जो होते हैं ये यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रोंग फीलिंग्स ये हमारी जो है फीलिंग्स वो एक्सप्रेस करने के लिए करने के लिए हम यूज करते हैं ये सेंटेंस हमें पता चलता है कि हम कोई चीज़ जो है दुख के लिए शो करते हैं अपनी खुशी शो करते हैं ठीक है जैसे कि वट आर शेम मतलब अब जो है हम किसी के लिए कि क्या, कितनी शर्म की बात है कि शर्मिंदगी वाली बात है तो इसे जो है हमने ये देखिए ये चिन्ह जो लगा हुआ है ये कि हमारा एक्सक्लेमेटरी चिन्ह हो गया ठीक है इससे हमें पता चलता है कि ये जो है हमारे मनोभाव जो है हमारे भाव जो हैं दिल के उनको पूरी तरह से शो कर रहा है कि हम जो है क्या कहना चाहते हैं नेक्स्ट है अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस अफर्मेटिव होते हैं सिंपल सेंटेंसेस जिसे कि हम किसी को इन्फॉर्मेशन मतलब कन्वे कर रहे हैं और नेगेटिव होते हैं जिसमें ना मतलब ना वाले वाक्य जो अपने जैसे कि हम नेगेटिव जिसमें हम नोट यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल अन इज रनिंग अन ये क्या है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है अन जो है वो भाग रहा है ठीक है द फ्रिज इज एम्पटी मतलब जो फ्रिज है वो खाली है ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेज हो गए और नेगेटिव सेंटेंसेज कौन से हैं अन इज नॉट वॉकिंग अन जो है वो सैर नहीं कर रहा है नहीं चल रहा है वो तो ये देखो नोट लग गया तो ये कौन से आगे नेगेटिव सेंटेंसेस नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन टैग ये तो हमारे जो थे पांच जो थे हमारे सेंटेंसेस के पार्ट आगे, आगे जो है पार्ट हमारा क्वेश्चन टैग क्वेश्चन टैग मतलब जिसमें हम आपसे पूछा जा रहा है साथ में ही आंसर दिया जा रहा है जैसे यू आर आर नॉट यू मतलब आर के साथ आप आयन लगाकर यहाँ पर इसी के से ये हमारा क्या बन गया क्वेश्चन टैग बन गया ये जो है जैसे कि एक क्वेश्चन टैग इज अ स्मॉल क्वेश्चन एट द एंड ऑफ ए स्टेटमेंट मतलब क्वेश्चन टैग जो है एक छोटा सा क्वेश्चन होता है जो कि एंड में लगाया जाता है ठीक है तो ये क्या है हमारा क्वेश्चन टैग